गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का जो वीडियो है, आज आई बिलीव आज है डे टू। तो आज हम चलेंगे जिम और आज हम करेंगे बैक की एक्सरसाइज, क्योंकि आज हमारा डे टू है। शेड्यूल हमारा था मंडे था, जो मंडे था वो चेस्ट था और सेकेंड जो डे था हमारा वो बैक था। तो अभी हम जिम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक्सरसाइज। तो अब हम तैयार हो गए हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो लेट्स गो। तो फाइनली अब हम लोग जिम आ गए हैं और आज है डे टू, तो हम करेंगे आज बैक का वर्कआउट। तो मैं जिम दिखा देता हूँ पहले। तो आज हमारा डे टू और आज हम करेंगे हमारा बैक का वर्कआउट। बैक के वर्कआउट में भी हम करेंगे एटलीस्ट 5 से 7 एक्सरसाइज तो हम बैक के वर्कआउट में करेंगे, क्योंकि बैक को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो करेंगे हम पुलअप्स। एंड एक्चुअली बता दूं मैं, पुलअप्स आपकी बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि ये हमारी बैक की वाइडनेस बढ़ाती है, प्लस ओवरऑल बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और इसमें हम करेंगे 10 से 12 रेपिटेशन, 2 से 3 सेट करेंगे इसमें। और आप चाहो तो स्टार्टिंग में कम रैप से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब सेकेंड जो एक्सरसाइज हम अपने बैक की करेंगे वो करेंगे हम पुलओवर। पुलओवर में क्या करना है कि एक ऐसी फ्लैट बेंच लेनी है, उसमें एक डंबल लेना है और अपने हाथों को पूरा पीछे से तक लेके जाना है। प्लस जैसे हम पीछे से लेके जाएंगे उसको फिर आगे लेके जाना है, पहले पीछे, लेकिन पूरा हाथों को स्ट्रेट रखना है और पीछे तक लेके जाना है। और इसमें हम करेंगे एटलीस्ट 12 रेपिटेशन और 3 सेट करेंगे इसमें। आप धीरे धीरे करके वेट इसमें इंक्रीज भी कर सकते हो। अब थर्ड जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो करेंगे हम लैट्स पुल डाउन। आज इस एक्सरसाइज को हम 2 वेरिएशन में करेंगे और 4 सेट्स में करेंगे। तो 2 वेरिएशन ऐसे रहेंगे, पहले जो वेरिएशन रहेगा वो रहेगा वाइड ग्रिप का, और सेकंड जो हम करेंगे उसमें हम करेंगे क्लोज ग्रिप में। तो पहला सेट वाइड ग्रिप, दूसरा सेट क्लोज ग्रिप। इसमें हम 12 रेपिटेशन करेंगे और वेट अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके रखेंगे और थोड़ा थोड़ा वेट अकॉर्डिंगली इंक्रीज करते जाएंगे। अब जैसे हमने पहले इसको वाइड ग्रिप से पकड़ा था, अब हम इसको क्लोज ग्रिप से पकड़ेंगे और क्लोज ग्रिप से पकड़ के भी हम जो पहले सेट करेंगे इसमें उसमें करेंगे हम 12 रेपिटेशन। तो पहला जो सेट किया था हमने 12 रेपिटेशन, सेकंड जो सेट किया हमने उसमें भी 12 रेपिटेशन। अब थर्ड जो सेट करेंगे वाइड ग्रिप से, उसमें करेंगे हम 8 से 10 रेपिटेशन। सेम जब हम क्लोज ग्रिप करेंगे तो उसमें भी हम रखेंगे 8 से 10 रेपिटेशन। और इसमें हाथों को पूरा ऊपर तक खोलेंगे ताकि हमारी बैक पे स्ट्रेच आए। अब हम करेंगे सीटेड रोज। सीटेड रोज में क्या करना है कि वेट अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है, बट थोड़ा सा वेट इसमें हैवी रखेंगे, लाइक 20 या 30 केजी से स्टार्ट करेंगे और इसमें 12 रेपिटेशन करेंगे। हाथों को पूरा पीछे तक लाएंगे और आगे तक बिल्कुल जाने देंगे, जैसे अभी आगे जाने दे रहे हैं, बिल्कुल पीछे तक आ रहा है, फिर बिल्कुल आगे तक। और इसमें भी हम 12 रेपिटेशन करेंगे 3 सेट के साथ, वेट इसमें थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाएंगे। और एक चीज और, जो ये एक्सरसाइज है वो हमारी पुलिंग एक्सरसाइज है, मतलब इस ये पुश और पुल पे पुल में आती है ये। और ये हमारे पोस्चर को, हमारी स्पाइनल अलाइनमेंट को, हमारी बैक की स्ट्रेंथ को, मसल डेफिनेशन को बढ़ाने में हमारी हेल्प करती है। अब हम करेंगे बेंट ओवर रोज। इसमें क्या करना है, अपने हाथों को इस तरीके से रखना है ऐसे करके, फिर शोल्डर लेंथ से हम अपने बारबेल को पकड़ेंगे, हल्के से पैर बेंड करेंगे, कमर को नीचे झुकाएंगे और फिर ऊपर लेके जाएंगे इसको। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी करके हम इसमें टोटल 12 रेपिटेशन करेंगे और प्लस थोड़ा एक सेकंड का होल्ड भी रखेंगे जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तब। 12 तो 12 रेपिटेशन करेंगे इसमें, 3 सेट्स करने हैं इसमें,
12, 10 और 8 रेपिटेशन की, प्लस जो हमारा पोस्चर रहेगा बैक का वो उल्टा सीधा नहीं रहेगा, मतलब आगे पीछे नहीं करेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे, नील्स को थोड़ा सा हल्का बेंड रखेंगे और तब इसको करेंगे। अब हम करेंगे सिंगल आर्म लेट पुल डाउन। पहले हम करेंगे इसको लेफ्ट हैंड से और इसको नीचे तक लेके जाएंगे। जब ऊपर लेके जाएंगे हल्का सा हाथ है ना, हम अपना थोड़ा सा मोड़ लेंगे ऊपर ले जाते समय, फिर नीचे लेके जाएंगे हल्का सा, जब ऊपर लेके जाएंगे तब इसको मोड़ लेंगे ताकि हमारी लेट्स पे ज़्यादा इफेक्ट पड़े। प्लस इसके 12 रेपिटेशन करेंगे, मीन्स 12 राइट हैंड से, 12 लेफ्ट हैंड से, और इसमें तीन सेट करेंगे 12, 10 और 8 रेपिटेशन के। वेट आप अपने अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप बढ़ा सकते हो तो आप वेट बढ़ा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब सेम हम ऐसे ही राइट हैंड से करेंगे कि नीचे लेके जाएंगे और ऊपर आते में हाथ थोड़ा सा मोड़ लेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आप आज जैसे बैक का वर्कआउट कर रहे हो और अगर आप हैवी वेट उठा रहे हो और ये फर्स्ट टाइम है आपका कि लाइक मैं इससे पहले कभी नहीं किया, तो आप मेक श्योर करो कि आप एक है ना बेल्ट पहन के रखो। बेल्ट से क्या रहेगा कि आप इंजरी से बचे रहोगे, आपको है ना जो बैक की इंजरी होती है वो चांसेस कम हो जाते हैं उसमें। अब हम करेंगे डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट में पोजीशन रखेंगे अपने जो हाथ है वो शोल्डर लेंथ से, जो रसे रॉड को पकड़ेंगे जो हम वो शोल्डर लेंथ से नीचे थोड़ा सा पैर बेंड करके नीचे जाएंगे और उठा के सीधा ऊपर लेके आएंगे। फिर ऐसे ही 12 रेपिटेशन करेंगे, इसमें वेट बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे और इसके एटलीस्ट तीन सेट्स तो करने ही करने हैं, 12, 10 और 8 रेपिटेशन के। अगर आप लग को लगता है कि आप है ना वेट बढ़ा सकते हो तो आप वेट इंक्रीज करें और प्लस इसमें बेल्ट ज़रूर लगाएं ताकि आप अपनी बैक को इंजरी से बचा सकें। अब ये जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे हमारे लोअर बैक के लिए जिसका नाम है हाइपर एक्सटेंशन। इसमें पूरा प्रॉपर तरीके से नीचे जाना है और नीचे जाके ऊपर आना है ताकि आपके लोअर बैक पे स्ट्रेच आए। हो सकता है कि आपको ये करने के बाद एक दो दिन दर्द भी रहे, बट वो दर्द ओवर द टाइम धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसमें भी हमको तीन सेट करने हैं, 12, 10 और 8 रेपिटेशन के। आप चाहो तो 12 के तीन सेट्स भी कर सकते हो। अब लास्ट जो एक्सरसाइज है उसका नाम है स्ट्रेट आर्म लेट पुल डाउन। इसमें हम अपने हाथ स्ट्रेट रखेंगे, नीज थोड़ा सा बेंड रखेंगे और जो ये केबल है उसको नीचे तक लेके आएंगे। इससे हमारे दो फायदे होंगे, एक तो हमारे लेट्स पे स्ट्रेच पड़ेगा, प्लस ये हमारी बैक की स्ट्रेचिंग कर देगी। तो इसमें हम केवल दो सेट करेंगे, 12 रेपिटेशन के दो सेट्स करेंगे। वेट इसमें नॉर्मल रखेंगे, जैसे 3 या 4 प्लेट ही रखेंगे, मैक्सिमम 5 प्लेट भी रख सकते हो आप, बट करेंगे इसको दो सेट्स में। सो फाइनली आज का हमारा बैक का वर्कआउट भी कंप्लीट हो गया है, मतलब डे टू हमारा कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। और बैक के वर्कआउट में भी हमने 5 से 7 एक्सरसाइज करी है, जिसमें हमने डेड लिफ्ट, मीन्स हमने एक तरीके से पूरा है ना अपर बैक, मिडिल बैक और लोअर बैक तीनों कवर कर लिया हमने आज के एक्सरसाइज में। और बिगनर्स के लिए अच्छी एक्सरसाइज है ये। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और प्लस हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो उसको आप एटलीस्ट आपको नोटिफिकेशन मिले देखने के लिए। थैंक यू।